हेलो एवरीवन वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे डायूरेटिक्स के बारे में डायोरेटिक्स के जिसको हम सिंपल लैंग्वेज के अंदर वाटर पिल्स भी कहते हैं तो ये मेडिकेशंस के हम बेसिक यूज़ के बारे में स्टडी करेंगे और डिटेल फार्माकोलॉजिकल स्टडी करेंगे अबाउट द डायोरेटिक्स तो डायरेटिक्स के बारे में आपको ये क्वेश्चन होगा कि डायरेटिक्स को वाटर पिल्स क्यों कहते हैं फिर ये वाटर पिल्स क्या होती है और किस तरह से वो अपना काम करती है तो सभी को जानेंगे ये वीडियो लेक्चर के अंदर डिटेल में और आपके जो भी डाउट्स है वो सब क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग द डायरेटिक्स तो डायोरिटिक्स के जो कुछ मेडिकेशंस आप यहाँ पे मार्केटेड फार्मुलेशन देखते होंगे कि ये फाइजर का एक फॉर्मुलेशन देख रहे हैं कि दैट इज़ ए डायमोक्स टैबलेट एसिटाजोलामाइड देख रहे हैं फिर क्लोरथाइजेड है फिर यहाँ पे फ्रूसेमाइड के टैबलेट्स देख सकते हैं एस पर द आई की जिसकी स्ट्रेंथ है हंड्रेड एम तो ये सब ऐसे मेडिकेशन से कि आपकी किडनी के ऊपर अफेक्ट करती है तो ड्रग एक्टिंग ऑन किडनी भी उनको कहा जाता है कि इनकी जो असर होती है वो होती है हमारी किडनी और उसके अलग अलग पार्ट्स के ऊपर तो शुरू कर दे आज के लेक्चर में और जानते हैं डिटेल में अबाउट द वाटर पिल्स मीन्स अ डायुरेटिक्स एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स थैंक यू फॉर बींग वन लेक फैमिली ऑफ फार्मारॉक्स अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ सब्सक्राइब करिए चैनल प्रेस करिए बेल आइकॉन एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मोरॉक्स तो फार्मोरॉक्स का एक आपको गूगल प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा कि जो एंड्रॉयड ऐप है और यू कैन ऑल्सो डाउनलोड इट फ्रॉम एप्पल आईफोन ऐप स्टोर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो सबसे पहले जानते हैं डायोरिटिक्स के डेफिनेशन के बारे में तो डायरेटिक्स आर ए क्लास ऑफ मेडिकेशंस प्रोवाइड देयर फार्माकोलॉजिकल एक्सन ऑन किडनी तो मेनली जो उनकी जो फार्माकोलॉजिकल हम एक्शन है, तो हमारे किडनीज के ऊपर होती है और उनको जो है वो हम वाटर पिल्स भी कहते हैं मीन्स अ आर ए ड्रग्स विच आर एक्टिंग ऑन ए किडनी एंड ऑल्सो कॉल ए वाटर पिल्स तो ड्रग एक्टिंग ऑन किडनी तो वो है हमारे डायोरेटिक्स मेडिकेशन की ऐसा फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन uh, और ऐसे क्लास के जो मेडिकेशंस की जिनकी इफेक्ट होती है किडनी के ऊपर की जिनको हम कहते हैं डाय तो ये आपको अच्छे से याद रखना है नेक्स्ट दे आर ए कॉमनली यूज इन ए ट्रीटमेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर हार्ट फेलियर लीवर फेलियर किडनी डिसऑर्डर्स एंड ऑल्सो फॉर टिश्यू स्वेलिंग एंड इडीमा तो डायूरिटिक्स का हम कोई बेसिक सिंपल यूज जाने तो स्पेशली हाई ब्लड प्रेशर की जिसके अंदर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता हो हाइपरटेंशन की जो बीमारी हम कहते हैं हार्ट फेलियर के जो पेशेंट होते हैं लिवल फेरियर वगैरह के लिए ये यूज़ किया जाता है तो यह यहाँ पे हम सिंपल एनाटॉमी देखिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किडनीस कि जो हमारे यूरिनरी सिस्टम का एक मेन पार्ट है फिर यह, यह यूरेटर और यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लेडर ये जो वाटर पिल्स से उनकी जो मेन इफेक्ट होती है हमारी किडनी के ऊपर तो वो कैसे काम करती है वो भी हम जानेंगे आगे तो सबसे पहले जान लीजिए उनके बेसिक यूज़ के बारे में तो दे बेसिक यूज इन फर्स्ट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर तो डायूरिटिक्स को प्रिस्क्राइब किया जाता है हाइपर की जो कहते हैं हम हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन कि जिसके अंदर पर्सन का जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल से काफ़ी हाई रहता है कि जो वन ट्वेंटी हम कहते हैं तो उससे ऊपर कि 140 160 180 ऐसे रेंज में रहता है किसी का ब्लड प्रेशर फिर सेकंड हम देखें तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर भी डायबिटिक्स के मेडिकेशंस जो है वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं कि जिसके अंदर क्या होता है कि थिकनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर चैम्बल्स एंड स्मॉलर फिलिंग कैपेसिटी एंड इजेक्शन ऑफ ब्लड मतलब कि जो हार्ट है उसके अंदर जो कंजेशन होता है ड्यू टू द थिकनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर चैम्बर और फिलिंग कैपेसिटी स्मॉल हो जाती है ऑल्सो अबाउट द इजेक्शन ऑफ ब्लड और जो ब्लड जो हार्ट है उसके ऊपर काफ़ी वर्कलोड पड़ता है तो ये है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर उसमें भी ये यूज़ करते हम लीवर साइरोसिस सा के अंदर यूज किया जाता है फिर जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स होते हैं कि जिसके अंदर स्पेशली जो नेफ्रॉन और जो रीनल जो हम कहते हैं हमारी किडनी वो ख़राब होते हैं कि जो कहा जाता है रीनल फेलियर एंड जो टिश्यू स्वेलिंग्स होते हैं कि जिसको हम मेडिकल टर्म्स में कहते हैं इडीमा तो ये सभी अलग अलग कंडीशंस के अंदर डायबिटिक्स मेडिकेशंस को प्रिस्क्राइब की जाती है तो डायबिटिक्स का जो वर्किंग हम देखें तो दे आर द वाटर पिल्स दे आर ए वाटर पिल्स टेकआउट एक्सेस वाटर एंड सोडियम फ्रॉम योर बॉडी कि वाटर पिल्स क्या करते हैं आपकी जो बॉडी में से जो एक्सेसिव जो वाटर होता है और जो सोडियम होता है वो बॉडी में से बाहर निकाल देते हैं मतलब कि सिंपली हम समझे तो जब हमारे बॉडी के अंदर जब हमारे बॉडी के अंदर वाटर जो है वो काफ़ी ज्यादा अमाउंट में है और साथ में जो हम कहें तो सोडियम की अमाउंट भी बॉडी के अंदर ज़्यादा है तो ये डायबिटिक्स क्या करेंगे कि हमारे जो यूरिन के थ्रू के यूरिन के अंदर वाटर और सोडियम दोनों कंपोनेंट्स का जो प्रपोसन है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा और जिसके कारण एक्सेसिव वाटर भी हमारे बॉडी में से बाहर निकल जाएगा और सेकंड सोडियम और हम जानते हैं कि जो सोडियम का एलिवेटेड लेवल ब्लड प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल जितना सोडियम जो ज्यादा इंक्रीज होता जाता है ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है तो जब सोडियम ही बाहर निकल जाएगा एक्सेसिव तो ऑटोमेटिकली सोडियम की जो अमाउंट है आपकी बॉडी के अंदर क्या होगी रिड्यूस होगी क्या होगा कि रिड्यूस हो जाएगा वाटर uh, और रिड्यूस होगा सोडियम बट कब कि जब कोई पेशेंट को आप देते हैं डायूरेटिक तो ये फ्लोर चार्ट के अकॉर्डिंग टू तो आपको समझ में आएगा कि जब किसी पर्सन को डायरेटिक्स मेडिकेशंस दिए जाते हैं तो ये कंडीशन होती है बिफोर कंडीशन कि यहाँ पे सिंपल हम लिखे तो ये बिफोर कंडीशन और उसके बाद कि जो आफ्टर कंडीशन ये नीचे वाली तो बीफर कंडीशन में देखिए आप कि वाटर और सोडियम की अमाउंट ज़्यादा थी डायोरेटिक्स देने के बाद रिड्यूस हुआ वाटर का अमाउंट एज वेल एज सोडियम। जिसके कारण क्या होता है कि ब्लड प्रेशर जो है वो होता है रिड्यूस इसी कारण से यही रीजन के कारण ये मेडिकेशंस को ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में भी प्रिस्क्राइब किया जाता है कि यहाँ पे जब वाटर और सोडियम इंक्रीज होता है तो चलो वाटर तो आ, इतना कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं देगा बट जब सोडियम की अमाउंट इंक्रीज होगी तो सोडियम रिस्पॉन्सिबल बनता है हाई ब्लड प्रेशर के लिए फिर सेकंड हम रीजन जाने कि उसका जो वर्किंग दिस रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट द हार्ट टू पंप साथ में जो आ, हार्ट को जो एक्सेसिव ब्लड पंप करना हो पड़ता है वो ये रिड्यूस करवाती है बिकॉज जो किडनी का जो काम होता है कि वो फिल्ट्रेशन का, का काम करती है तो वो फिल्ट्रेशन को जो है वो करती जाएगी और जो वाटर जो है उसको आ, लेवल जो है वो क्या करती है हमारे यूरिन के थ्रू एक्सेसिव वाटर को बॉडी में से बाहर निकाल देता है तो जब हार्ट के पास कम ब्लड जाता है तो जिसके कारण क्या होता है कि उसका जो वर्कलोड है हार्ट का वो रिड्यूस होता है कि जो अमाउंट ऑफ ब्लड जो हार्ट पम्प करता है वो रिड्यूस करवाएगा जिसके कारण हार्ट का जो वर्कलोड है वो रिड्यूस होगा और जब हार्ट का वर्कलोड रिड्यूस होगा तो ऑटोमेटिकली जो हार्ट के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है कि ये तो नॉर्मल वेंट्रिकुलर चैम्बर से नॉर्मल हार्ट के अंदर पर जब पेशेंट कोई कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होते तो के होते हैं तो सी एच एफ के पेशेंट के अंदर तो ऑलरेडी हार्ट के ऊपर वर्कलोड पड़ता है तो ये वर्कलोड को हमारा टारगेट होता है कि रिड्यूस करवाना तो ये रिड्यूस करने का काम भी करेगी ये डायबिटिक्स फिर जो ये बात हो गई पहला कि जो रिलेटेड टू है ब्लड प्रेशर सेकंड वर्किंग के ये दो पॉइंट थे ये थे रिलेटेड टू द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और ये वाला जो आप तीसरा वर्किंग देखेंगे रिगार्डिंग द स्वेलिंग की जो स्वेलिंग होता है इट ऑल्सो रिड्यूस द स्वेलिंग ऑफ एंकल्स कि स्वेलिंग जो का जो प्रॉब्लम है इन्फ्लेमेशन कॉमन प्रॉब्लम फॉर द पीपल स्ट्रगलिंग विथ हार्ट फेलियर की जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर ये एक स्ट्रगल होता है रिगार्डिंग द स्वेलिंग कि जो इसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं इडिमा तो डायबिटिक्स का जो हमने बेसिक फंक्शन देखा कि वो क्या करती है रिड्यूस करती है टिश्यू स्वेलिंग टिश्यू स्वेलिंग को रिड्यूस करने में ये मेडिकेशंस हेल्प करते हैं जिसके कारण वो हम कह सकते हैं कि वो स्वेलिंग रिड्यूस करने के कारण जो हार्ट फेलियर के पेशेंट होते हैं किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं कि अंदर ये इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग का प्रॉब्लम रहता है तो वो भी ये कंट्रोल में रखती है तो डायबिटिक्स इज एनी सब्सटेंस दैट प्रमोट्स द डाययुरेसिस। तो डायबिटिक्स क्या है तो डायबिटिक्स ऐसे सब्सटेंस है कि जो क्या करती है प्रमोट करती है डाय एंड द इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन तो कब से आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि डायोरिटिक्स का वर्किंग तो हमने जान लिया या बेसिक यूज भी जान लिया बट उसके पीछे जो मेकेनिज्म है वो क्या है मेन तो ये मेडिकेशन क्या करते हैं प्रमोट करते हैं डायूरेसिस डायोरेसिस मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ ए यूरिन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस जिसके कारण क्या होगा कि यूरिन फॉर्मेशन समझो कि होता है इंक्रीज तो जिसके कारण क्या होगा प्रोडक्शन भी हो जाएगा यूरिन की जो अमाउंट है वो इंक्रीज होगी कि जो ब्लेडर के अंदर जो यूरिन हमारा एक्यूमलेट होता है यूरिन जमा होता है वो अमाउंट ज़्यादा होगी और जिसके कारण जो पेशेंट को डायबिटिक्स दिए जाते हैं उनको बार बार जो है वो यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है मतलब कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यहाँ फिर देखने को मिलती है बिकॉज यहाँ पे यूरिन प्रोडक्शन इंक्रीज होता है दिस इंक्लूड द फोर्स डायोरेसिस मतलब कि ये कोई ऑटोमेटिकली नहीं है बट फोर्सली फोर्स इसलिए कि जब अब आरएक्स ओनली मेडिकेशंस जो है कि ये क्लास के जो मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब करने के बाद ही कि जो डायरेटिक्स देने के बाद ही ये कंडीशन फॉर्म होती है इसी कारण ये मेडिकेशंस को वाटर पिल्स कहा जाता है बिकॉज ये जो है वो इंक्रीज करती है यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन का जो फॉर्मेशन हम कहें यूरिन का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करे अगर वाटर की जो अमाउंट है वो यूरिन के अंदर ऐड करवाती है जिसके कारण उनको हम वाटर पिल्स भी कहते हैं दे आर सेवरल कैटेगरीज ऑफ द डायबिटिक्स की जो हम आगे उसके क्लासिफिकेशन और उसके यूज़ के बारे में भी देखेंगे एंड डायोबिटिक इंक्रीज द एक्सक्रिएसन ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडीज अल्दो इच क्लास डज सो इन ए डिस्टिंक्ट वे जितने भी अलग अलग क्लास के डायोबिटिक्स मेडिकेशन से ये सभी का सबसे पहले तो एक ही कॉन्सेप्ट काम करती है कि इंक्रीज करना एक्सक्रिएशन ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी और वाटर के साथ साथ उसके अंदर से जो सोडियम है दूसरे कोई टॉक्सिक्स एलिमेंट्स है वो सभी को यूरिन के थ्रू आपके बॉडी में से ये बाहर निकाल देती है तो इस तरह से ये कि जो भी टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अलग अलग डिसीज एंड डिसऑर्डर्स के लिए तो उनको भी ये काफ़ी रिड्यूस करवाती है और मेन तो सोडियम को काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में कम करवा है जिसके कारण ब्लड प्रेशर जो है वो पर्सन का रिड्यूस होता है और स्पेशली हाइपरटेंशन के जो पेशेंट उनको इसमें काफी फायदा होता है तो डायबिटिक्स हेल्प्स टू रिमूव अवर बॉडी सोल्ट कि एंड वाटर कि ये हमें मदद करते हैं तो रिमूव अवर बॉडी सॉल्ट एंड वाटर जैसे कि आप देखिए कि ये जो यहाँ पे हम एक डायग्राम देख रहे हैं जिसके अंदर नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है जो किडनी का हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है तो इसके अंदर ये बाउमेंस कैप्सुल रीजन होता है ग्लोमेरुलस होता है फिर ये वाला रीजन है ये लिखा है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल लिखा है डिस्टल कॉनवोलेटेड ट्यूब्यूल से ये लूफ ऑफ इनले का रीजन आप देख सकते तो ये अलग अलग रीजनस होते हैं हमारे नेफ्रॉन के अंदर तो ये जो मेडिकेशन से है वो अलग अलग ये जो रीजन है नेफ्रन के वहाँ पे उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाते हैं मोस्ट ऑफ देम हेल्प आवर किडनीस टू रिलीज मोर सोडियम इन टू आवर यूरिन तो ये बेसिकली क्या करती है कि हमारी जो किडनीस है उनको उनके थ्रू सोडियम का जो एक्सक्रिएसन है वो एनहांस कराते हैं यहाँ पे देखिए कि जो लूप डायोरेटिक्स एक क्लास है मेडिकेशन का डायोरेटिक्स के अंदर तो उनका लिखा है कि ब्लॉक द सोडियम पोटासियम सॉरी सोडियम पोटासियम एंड क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर जिसके कारण सोडियम का एक्सक्रीशन इंक्रीज होता है पोटासियम का एक्सक्रीशन इंक्रीज होता है एंड ऑल्सो द क्लोराइड जिसके कारण क्या होगा कि अवर किडनीस रिलीज द मोर सोडियम इन टू यूरिन और एक्सेसिव सोडियम आगे जो हमने जाना उसी तरह से कि एक्सेसिव सोडियम रीजन बनता है ब्लड प्रेशर एलिवेटेड होने का तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है बाय रिड्यूस द अमाउंट ऑफ सोडियम तो ये है एक कॉन्सेप्ट सोडियम टेक्स विथ इट वाटर फ्रॉम अवर ब्लड एंड डिक्रीजिंग The amount of fluid flowing through our vein and arteries and thus they reduce the blood pressure kya ab क्या होता है कि जो fluid जो हमारे blood के साथ pass होता है जिसके कारण क्या होता है कि blood का volume भी increase होता है तो blood के volume को जब हम down करेंगे जिसके कारण जो heart है उसके ऊपर भी वर्कलोड कम हो जाएगा और जो वेन और आर्टरीज के ऊपर भी जो प्रेशर पड़ता है वो प्रेशर भी रिड्यूस होता है जिसके कारण ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता है तो ये बेनिफिट्स होते हैं ये डायोरेटिक्स के तो डायोरेटिक्स के हम डिटेल में अब क्लासिफिकेशन जानते हैं तो डायोरेटिक्स के अंदर सबसे पहले फेमस एक क्लास है दैट इज़ लूप डायोरेटिक्स तो लूप डायरेटिक इसलिए उनको कहा जाता है कि इनकी जो इफेक्ट है वो स्पेशली यहाँ पे रहती है ये जो हैडले का जो लूप होता है लूप ऑफ हैंडले तो इसमें ये देखिए ये तीन नंबर का ये जो रीजन दिखाया है वहां पे उनकी सबसे ज्यादा असर रहती है और वो करती है ब्लॉक करती है सोडियम एंड पोटासियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर तो यही है उसका कि हाई एफिकेसी डायोरिटिक्स इनको कहा जाता है हाई एफिकेसी डायोरेटिक वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग्स और जो प्रीवियस डायग्राम में देखा उसके अकॉर्डिंग टू इनहिबिटर ऑफ सोडियम पोटासम एंड क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट जिसके कारण क्या होता है इंक्रीज होता है सोडियम पोटासियम एंड क्लोराइड का एक्सक्रिएशन और उनके जो हम मेडिकेशंस के एग्जांपल देखे तो जो सल्फामोइल डेरिवेटिव्स क्लास के जो लूप डायोरिटिक है ये हम डिटेल क्लासिफिकेशन इसलिए देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रिलेटेड भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी यहाँ से काफ़ी फायदा होगा एज वेल एज जिनको डिटेल में फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लिखना है उनको भी फायदा होगा और साथ में जिनको बेसिक यूज जानना है मेडिकेशंस का वो भी तो सभी तरह से इसमें से आपको बेनिफिट्स रहेंगे तो सल्फोमाइल डेरिवेटिव्स के जो डायरेटिक्स हैं उनके एग्जांपल हम देखें तो फ्यूरोसेमाइड। तो फ्यूरोसेमाइड के हम मार्केटेड फार्मुलेशन में देखें तो फ्रोसेमाइड भी लिखा होता है फ्रोसे नेक्स हंड्रेड की जो टैबलेट्स की जो जेनो फार्मास्यूटिकल्स बनाती हैं फिर दूसरा एग्जाम्पल देखे तो ब्यूमेटानाइड है तीसरा एग्ज़ाम्पल है उसके अंदर दैट इज टोरासेमाइड तो तीनों आपको याद रखनी है कि जो है सल्फोमल डेरिवेटिव क्लास ऑफ लूप डायरेक्ट जिनकी हाई एफिक्ट और जो इनहिबिटर से सोडियम पोटासियम एंड क्लोराइड का को ट्रांसपोर्ट के उसी क्लास का जो दूसरा देख हम देखें तो फिनोक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव जिसका एग्जाम्पल है इथाक्राइनिक एसिड इथाक्राइनिक एसिड का आप मार्केटेड देख सकते हैं 25 फाइव का टैबलेट तो ये हो गए लूप डायोरेटिक उनका बेसिक यूज जानते हैं तो लूप डायोरेटिक कि जो एसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप एसेंडिंग लिंब की जो हमने ये वाला देखा कि ये इस तरह से जो बनता था लूप उसमें से जो एसेंडिंग ये वाला जो ये रीजन जो है जो एसेंडिंग बनता है तो एसेंडिंग लिंब ऑफ लूप वहाँ पे उनकी सबसे ज्यादा असर रहती है और उनको जो हम जाने तो उसका जो मेकेनिजम है कि सोडियम पोटासियम और क्लोराइड ये तीनों का एक्सक्रिएशन जो है इंक्रीज करवाती है तो तीनों का जो एक्सक्रिएसन इंक्रीज होता है जिसके कारण वो हाइपरटेंशन के पेशेंट के लिए काफी हेल्पफुल है देन इन पेशेंट विथ इंपेयर्ड रीनल फंक्शन जिनके अंदर रिनल फंक्शन अच्छे से न ही काम कर रहे हैं फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के जो पेशेंट होते हैं फिर एक्यूट पलमोनरी इडीमा के जो पेशेंट के जिनके अंदर इंफ्लामेशन खास है इडीमा मतलब कि इंफ्लैमेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है फिर लो ब्लड वॉल्यूम के जो पेशेंट होते हैं एक्यूट एक्ूट्रेनल फेलियर एज वेल एज क्रोनिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम होते हैं हाइपर कैलेमिया होता है एंड केमिकल इंटॉक्सिकेशन टू इंक्रीज द यूरिन फ्लो कि जो ऐसे केमिकल्स और टॉक्सिसिटी समझो कि बॉडी के अंदर इंक्रीज होती है तो उसको यूरिन के थ्रू जब बाहर निकल जाती है कि जिसके कारण हम क्या करते है? कि यूरिन के फ्लो को इंक्रीज करवा के यूरिन के थ्रू वो जो टॉक्सिक एलिमेंट से वो आपके बॉडी में से बाहर निकल जाए तो इसके लिए भी ये जो लूप डायरिक्स से प्रिस्क्राइब किया जाता है तो ये सब अलग अलग कंडीशंस है कि जिसके अंदर ये मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब की जाती है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है पल्मोनरी एडिमा है क्रॉनिक और एक्यूट एक्यूड्रीनल फेलियर नेफ्रोटिक सिंड्रोम तो ये सब अच्छे से याद रखिए नेक्स्ट है दैट इज थेड डायबिटिक्स तो थाोजाइड डायोरिटिक्स डाय। को हम कहते हैं मीडियम एफिकेसी डायोरिटिक्स लूप डायोरिटिक्स के कंपेयर में इनकी जो एफिकेसी है वो थोड़ी कम है इसके लिए उनको मीडियम एफिकेसी कहा जाता है और उनके जो हम देखें तो दे आर द इनहिबिटर्स ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड सिंपॉर्ट उनके जो एग्जांपल्स हम देखिए तो बेन्जोथाइजाइड्स कि जिनको थाएजाइड कहे जाते बिकॉज सभी के नाम के पीछे आपको थाएजाइड देखने को मिलेगा तो सभी के अंदर देखिए आप तो हाइड्रोक्लोरोड ये पीछे आपको देखने को मिला नाम थाइड तो आगे है हाइड्रोक्लोरो थाड फिर बेंज थाइड तीसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे दैट इज हाइड्रो फ्लू थाएजाइड तो सभी के पीछे थाएजाइड तो क्यों में नहीं रहेंगे ये एक अलग अलग एक है, है कि क्लोपामाइड की जो है एमाइड है फिर थाएजाइड लाइक डायोरेटिक जिनको कहा जाता है कि थाएजाइड जैसे कि उनकी जो इफेक्ट है सिमिलर टू द थाएजाइड की जो मीडियम एफिकेसी हम कहते हैं एज वेल एज इनहिबिटर ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड सिम्फॉट तो वो भी एग्जांपल याद रखिए देट आर रिलेटेड हिट्रोसाइक्लिन कहे जाते हैं उनको जिनकी एग्जाम्पल हम देखिए तो क्लोर थैलीडोन है फिर मेटोलाजोन uh, है एंड ग्जाइपामाइड चौथा एग्जाम्पल देखिए तो हम इंडापामाइड देख सकते हैं तो फिर से एक बार ये थाज डायटिक्स डाय। का आप रिविजन कर लीजिए कि जो मीडियम एफिकेसी डायोरेटिक्स जिनको कहा जाता है कि जो इन्हीबिटर से सोडियम एंड क्लोराइड सिम्पर्ट्स के कि जिनको मीडियम एफिकेसी कहा जाता है फिर बेंजोथाइड जो है कि जिनके अंदर थायजाइड्स मेन है कि सभी के नाम के पीछे थाएजाइड देखने को मिलेगा कि हाइड्रोक्लोरोजिड है बेंस थाड है एंड हाइड्रो फ्लूमे तो ये तीन थाइाइड ऐसे कि जिनको हम कहते हैं थाएसाइड डायबिटिक्स क्लोरो भी उनका एक एग्जाम्पल है कि यहाँ पे जो उसके हम मार्केटेड फार्मूलेशन देख सकते हैं कि क्लोरोजाइड एज वेल एज दोनों अवेलेबल होते हैं दूसरा जो है कि थायोजाइड लाइक डायटिक्स थायोजाइड थायो थायो जैसे जिनके एग्जाम्पल हम देखिए तो क्लोर थैलीडोन है मेटा मेटोलाजोन है ग्जाइपामाइड है और इंडापेमाइड तो इतने जो एग्जाम्पल है और क्लोपामाइड ये आपको याद रखने हैं कि थाजाइड लाइक कि थायोजाइड के जैसे है तो ये थायजाइड डायोरेटिक्स उनके हम यूजेस जाने तो वो काफी इंटरेस्टिंग है अच्छे से समझिए तो उनकी जो असर है सबसे ज्यादा डिस्टल कॉनवलेटेड ट्यूब्यूल के रीजन में रहता है ऑफ अ नेफ्रॉन तो उनको प्रिस्क्राइब किया जाता है हाइपर टेंशन में हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम के अंदर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की जो माइल्ड टाइप का कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है उसमें फिर जो रीनल कैलकुली जो हम कहते हैं मतलब कि जो किडनी स्टोन होता है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अपर यूरेट यूरेटरल स्टोन है रीनल पेल्विक स्टोन है कोलेसिल स्टोन है कि जो अलग अलग किडनी के रीजन के अंदर जब स्टोन फॉर्मेशन होते हैं तो ये किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट में भी इसको प्रिस्क्राइब किया जाती है फिर नैफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर भी थाज डबिटिक्स प्रिस्क्राइब किया जाता है एंड ऑल्सो अबाउट द क्रॉनिक रीनल फेलियर एंड ऑस्टियोपोरोसिस यहाँ पे जो हम बॉन देख रहे हैं कि जो काफ़ी पोरस हो जाती है तो ऐसे पोरस बोन के ट्रीटमेंट के अंदर भी कि जो पोर आपको देखने को मिल रही है तो ये जो बोन के अंदर ऐसे पोर होते हैं ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस तो इसके अंदर भी थाइज डाइबिटिक्स का जो है वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं हाइपर के अंदर किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम कहें किडनी स्टोन कि है किडनी फेलियर है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिटस है और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम में हम देखें तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर फिर दूसरा एक क्लास है डायबिटिक्स के अंदर जिनको कहा जाता है वीक और एग्जेंटिव डायबिटिक्स जिसके अंदर हम देखें फेमस दैट इज कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर क्लास ऑफ डायरेटिक और उसका जो एग्जाम्पल है एसिटाजोलामाइड फिर जो पोटेशियम स्पेरिंग हम डायोरेटिक कहते हैं कि जिनको इस तरह से भी कई बार आपने लिखना हुआ देखेंगे कि के प्लस स्पेरिंग लिखा हुआ होगा पोटेशियम स्पेरिंग तो उनके आगे दो टाइप पढ़ते हैं एक आल्डोस्टेरॉन के एंटागोनिस्ट अच्छे से समझिए यहां पे लिखा है कि पोटेशियम स्पेरिंग डायोरेटिक आगे दो क्लास में डिवाइड होते हैं एक होगा आल्डोस्टेरॉन के एंटागोनिस्ट जिनके एग्जाम्पल है स्पायरनो एंड एप्लेरिन और दूसरा है इनहिबिटर्स ऑफ रिनल एपिथेलियम सोडियम चैनल इनहिबिटर्स ऑफ रिनल एपिथेलियम सोडियम चैनल जिनके एग्जाम्पल है ट्राई एमटेनिन ट्राई एमटेरिन एं, एं एंड एमिलोराइड और एंटागोनिस्ट हुए स्पायरोनोलेक्ट्रॉन एंड एप्रिलॉन तो ये वाले पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेस्स के लिए कि एसिडाजोलामाइड भी हम कहे तो वो कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स कहा जाता है और पोटेशियम स्पेरिंग डायोरिटिक्स में से ये एंटागोनिस्ट एज वेल एज इनहिबिटर ऑफ रिनल एपिथेलियल सोडियम चैनल तीसरा जो क्लास है इसके अंदर दैट इज ऑस्मोटिक डायोरिटिक जिसके फेमस एग्जाम्पल हम देखिए तो मैनीटॉल है कैटेगरी में रखा जाता है, और जो है, उसका तो ये कहे जाते है वीक और एगजेंटिव डायोरेटिक्स कि सबसे पहले जो हमने क्लास देखा दैट इज हाई एफिकेसी फिर मीडियम एफिकेसी अब सबसे लो एफिक फिकेसी वाले डायोबिटिक्स और उनकी एग्जाम्पल है ये आपको याद रखने के कार्बनिक एनहाइड्रेस का एग्जाम्पल याद रखिए पोटेशियम स्पेरिंग और उसमें भी ये दोनों सब टाइप इसलिए कि जो एम के लिए पिन पॉइंट बन सकते हैं तो कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स जैसे कि एसिटाजोलामाइड तो उनका जो यूज क्या है कि उनको कौन से कंडीशन के अंदर एसिटाजोलामाइड को प्रिस्क्राइब किया जाता है बिकॉज ये भी प्रिस्क्रिप्शन ऑनली मेडिकेशन है एसिडाजोला माई ट्वेंट टू फिफ्टी एम जी की टैबलेट हम देख सकते हैं एज पर आई पी की जो फाइजर का प्रोडक्ट है तो उनकी जो इफेक्ट है वो प्रोक्सीमल ट्यूबुल में रहती है ऑफ अवर नेफ्रॉन जिसको यूज किया जाता है टू ट्रीट क्रिस्टीन कि जिसके अंदर क्या होता है इंक्रीज अल्कलाइनिटी ऑफ ट्यूब्यूलर यूरिन तो ये कंडीशन में भी उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है फिर ग्लूकोमा तो ग्लूकोमा के अंदर जब हमारा लेक्चर था उसके अंदर आपने देखा होगा कि ग्लूकोमा के लेक्चर के अंदर ये एसिडाजोलामाइड का वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वो भी डिक्रीज करती है इंट्राओक्युलर प्रेशर की जो ग्लूकोमा का मेन रीज़न है कि इंट्राऑक्युलर प्रेशर इंक्रीज होना जिसके कारण ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है तो ऐसे कंडीशन में एसिटाजोलामाइड देने से ऑक्युलर प्रेशर कम होता है और वो ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है फिर एक्यूट माउंटेन सिकनेस जो हम कहते हैं कि जब कोई पर्सन ऊंचाई पे जाता है काफ़ी तो उस वक्त जब आपको सिकनेस फील होता है तो ऐसे कंडीशन में भी ये हेल्पफुल है मेटाबॉलिक आल्स आल्केलोसिस के अंदर में भी इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है तो ये सब हुए यूज ऑफ ए कार्बनिक एनहाइड्रोज इनहेबिटर्स पोटेशियम स्पेरिंग डायोबिटिक्स को हम देखें तो जिनकी असर होती है सबसे ज्यादा कलेक्ट इन ट्यूबवेल्स के अंदर तो कलेक्ट इन ट्यूबवेल्स का जो रिजन होता है तो वहाँ पर उनकी जो इस असर सबसे ज्यादा है जिनके एग्जाम्पल हमने देखे थे कि स्पायरोनो इलेक्ट्रॉन है एमिलोराइड है क्रोनिक लीर फेलियर के अंदर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वेन हाइपोकैलेमिया इज अ प्रॉब्लम कि जब हाइपोकैलेमिया के कारण कैलेमिया के कारण ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो उस वक्त ये पोटेशियम स्पेरिंग डायबिटिक्स जो है वो असरदार साबित होते हैं तो ये वाला जो डायग्राम है बाजू में उसको आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा कि जिसके अंदर मैनिटोल की जो ऑस्मोटिक डायरेटिक्स थे उनकी असर यहाँ पे है फिर लूप डायोरेटिक्स ये यहां पे असर कर रहे हैं आल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट की जो यहाँ पे देख रहे हैं नंबर पांच पे तो आल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट रिसेप्टर कि जो है हमारे ये पोटेशियम स्पेरिंग डायोरेटिक्स कि जो स्पायरैक्ट्रॉन एन एमिलोराइड तो उनके जो असर देखिए आप कि क्या करती है इंक्रीज करती है सोडियम और पोटेशियम का इंक्रीज करती है पोटेशियम रिटेंशन एंड सोडियम का एक्सक्रीशन, तो ऐसे कंडीशन में ये जो है वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट में क्रोनिक लिवर फेलियर वगैरह के अंदर प्रिस्क्राइब किए जाते हैं नेक्स्ट है अब ऑस्मोटिक डायोरेटिक्स कि ऑस्मोटिक डायोरेटिक्स के अंदर कि जो हम कहते हैं कि मैनीटॉल uh, है तो ऑस्मोटिक डायोरेटिक्स मेनली अफेक्ट एट प्रॉक्सीमल ट्यूबुल एंड लूप ऑफ हैंडले ऑफ नेफ्रॉन जिनके ये तीन एग्जांपल फेमस मैनीटॉल आइसोसॉरबाइड एंड ग्लिसरॉल तो उनका लोकेशन देखिए कहाँ पे तो यहाँ पे देखिए दो नंबर लिखा है ऑस्मोटिक डायोरेटिक्स कि मेनिटल का फेस काफ़ी फेमस है उसके अंदर तो मैनीटोल क्या करेगा कि H2O का जो एक्सक्रीशन है वो इंक्रीज करवाता है मतलब कि एक्सेसिव वाटर जो है वो यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी में से बाहर जाएगा और साथ में उसके साथ रहे जो टॉक्सिसिटी से वो भी बाहर चली जाएगी और जिसके कारण वो एक्यूट और इंसिपियंट रेनल फेलियर के पेशेंट के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होता है रिड्यूस द प्री ऑपरेटिव इंट्रा इंट्राओक्युलर और इंट्राक्रेनियल प्रेशर कि जो इंट्रा इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो हम कहते हैं आईओपी फिर इंट्रा क्रेनियल प्रेशर जो हम कहते हैं ये सभी को क्या करती है रिड्यूस करने का काम करता ही है ये रिड्यूस द प्री सर्जिकल और पोस्ट टोमा इंट्राक्रेनियल प्रेशर तो ये काफ़ी बेनिफिट है ऑस्मोटिक डायबिटे का जो प्री सर्जिकल और पोस्ट ट्रोमा इंट्राक्रेनियल जो हम प्रेशर करते हैं वो रिड्यूस करेगा प्रॉम्प्ट रिमूवल ऑफ रीनल टॉक्सिनस कि जो टॉक्सिनस होते हैं वो वाटर के एक्सक्रिएशन के थ्रू बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि H2O का एक्सक्रिएशन इंक्रीज हो रहा है और जिसके कारण ये जो टॉक्सिन्स भी उसके साथ रिमूव हो जाएंगे वन ऑफ द फ्यू डायोरेटिक्स दैट डू नॉट रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम तो ये एक यहाँ पे बात है कि ऑस्मोटिक डायरेटिक जो है वो लार्ज अमाउंट में सोडियम को रिमूव नहीं करते डू नॉट रिमूव तो ये आपके लिए एक है इंपॉर्टेंट पिन पॉइंट इंपॉर्टेंट पिन पॉइंट ऑफ एमसीक्यू एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि विच आर डू नॉट रिमूव द लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम उस वक्त एग्जाम में एम सी क्यू में ऑप्शन में दिया है मैनीटॉल तो मैनीटॉल आपका सही आंसर रहेगा और क्लास ऑफ डायोरिटिक पूछे तो दैट इज ऑस्मोटिक डायोरिटिक कैन कोज हाइपर तो ये एक है कि उसके कारण हाइपर नेट्रीमिया जो है वो हो सकता है तो ये था ऑस्मोटिक डायबिटिक्स डायबिटिक्स के हम एक सिंपल से समरी देख ले तो यहाँ पे देखिए डायबिटिक्स के अंदर सबसे पहले तो ऑस्मोटिक एजेंट्स जो है तो ऑस्मोटिक एजेंट्स की जिसके एग्जाम्पल मैनिटोलिक खास तो उसकी जो असर है प्रोक्सिमल ट्यूबुल एरिया में रहती है डिसेंडिंग लूप के अंदर एंड कलेक्टिंग डकट्रीजियन के अंदर तो ये वाले डायग्राम को आप देखिए कि दो नंबर तो ये नीचे की ओर जा रहा है रूप तो इसको हम क्या कहते हैं डिसेंडिंग तो डिसेंडिंग लूप में उसका है फिर प्रॉक्सिमल ट्यूब एंड कलेक्टिंग डक्ट ये तीनों जगह पे उसकी असर रहती है सेकंड है कि कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर तो कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर एसिटाजोलामाइड है और उसकी असर है सबसे ज़्यादा प्रॉक्सिमल ट्यूबल्स के रीजन के अंदर थाड का हम देखें तो हाइड्रोक्लोरोजेड एक फेमस है उसके अंदर डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल्स लूप डायोरेटिक्स जैसे कि इथाक्राइनिक एसिड है फ्यूरेसमाइड है जिनका नाम पर से ही लूप ऑफ हैंडले उसके ऊपर सबसे ज़्यादा असर रहती है एंड पोटेशम स्पेरिंग जिनका है कलेक्टिंग ट्यूबल्स के अंदर स्पायर एन एमिलोराइड तो यह गए सिंपल समरी ऑफ डायबिटिक्स अब जानना जरूरी है उनके साइड इफेक्ट्स तो साइड इफेक्ट्स के तौर पे हम देखें तो उनका जो एक साइड इफेक्ट है कि इंक्रीज द यूरिनेशन। कि जो भी पेशेंट है उनके अंदर जो यूरिनेशन की जो हम फ्रीक्वेंसी देखें तो वो होगी इंक्रीज इंक्रीज होगा यूरिनेशन जिसके कारण बार बार पेशाब करने की जाना पड़ेगा पेशेंट को और जब एक्सेसिव वाटर कई बार लॉस हो जाए तो इसके कारण डिजीनेस हेड एक् और डिहाइड्रेशन भी हो सकते हैं कि ये जो डिजीनेस डिजीनेस के कारण होने वाला ये हेड एक और डिहाइड्रेशन बिकॉज वाटर यहाँ पे काफी लॉस होता है बिकॉज यूरिन फॉर्मेशन इंक्रीज हो रहा है वाटर भी काफ़ी लॉस हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में डिहाइड्रेशन साइड इफ़ेक्ट के तौर पे हो सकता है तो जब ये मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब की जाती है तो जो पेशेंट काउंसलिंग के दौरान एक एडवाइस भी दी जाती है कि अगर कुछ इस तरह का फील होता है पेशेंट को डिहाइड्रेशन जैसा तो तुरंत उसको हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को कॉन्टैक्ट करना चाहिए एज वेल एज़ जरूरत पड़े तो तुरंत जो है उनको वाटर इंटेक जो है वो लेना चाहिए जैसे कि नींबू पानी जैसा लेते हैं ग्लूकोज पाउडर और उसका उसको पानी में डाल के आप ले सकते हैं मतलब कि पेशेंट को किसी भी तरह से आपको हाइड्रेटेड करना पड़ेगा कि अगर डिहाइड्रेशन जैसा फील हो उस वक्त उसको समझो कि ऐसा लगे कि बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी चले गए और पेशेंट वीकनेस फील कर रहा है ड्यू टू द साइड इफेक्ट ऑफ द डाइबिटिक तो उस वक्त उसको आप ओ भी दे सकते हैं कि जिससे फिर से वो इलेक्ट्रोलाइट उसके बॉडी के अंदर ऐड होंगे और ओ जब पानी के साथ हम देते हैं तो डिहाइड्रेशन भी क्योर हो जाएगा और ये साइड इफ़ेक्ट को भी आप मिनिमाइज कर पाओगे कई बार मसल्स क्रेम्स भी होते हैं जॉइंट डिसऑर्डर्स कि जिसको हम कहते हैं गाउट और इम्पोर्टेंसी तो ये सब कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो कि जो एसोसिएटेड है विद द यूज ऑफ वेरियस क्लास ऑफ डायोरेटिक्स तो ये था हमारा स्पेशल वीडियो लेक्चर रिगार्डिंग डायोरेटिक्स की जिसको हम कहते हैं वाटर पिल्स तो जो लेक्चर के जो नोट्स होते हैं वो आप अब एक्सेस कर पाओगे अफोर्डेबल प्राइस के अंदर फार्मारॉक्स की ऐप ऊपर तो जो भी लेक्चर्स होते हैं उसकी जो पीडीएफ हम कहे पी पी वो आपको ये वाले कोर्स के अंदर के स्टडी मटेरियल पी फाइल ये वाला कोर्स आपको फार्मर ऑक्स के मोबाइल ऐप में मिलेगा तो ऐप डाउनलोड करिए एंड्रॉयड ऐप एज वेल एज ऐप स्टोर पर से भी आपको मिल जाएगी ऐप थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स नाइन फोर टू सिक्स वन एट जीरो थ्री सिक्स व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मर ऑक्स सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट